किससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थे वो? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। यशोदा, मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। जे, पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। ठीक, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूं कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है, जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूं मैं, आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर मैंने मैंने वन में किसी को देखा था। हाँ ना, थी। मैं कह दे रही हूं जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया ना, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र, छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा, उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा, यादव को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले, इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना वो दाऊ जल। क्या कर रहे हो कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है, अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जी। छोटी माँ, ताऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी खाना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कल का था ये, जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आ
आप सब ये आवाज सुन रहे हैं? जय घुंगरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और जे लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो जे नुकीला भाग आप देख रहे हैं, जे उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। बोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गोपालक बन गया। नाना दाऊ, गोपालक तो मुझे बनना है। पापा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे, तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गोपालकों का डंडा तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। तो ना दाऊ, मैं भी पकड़ के देखूं कि मैं गोपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गोपालक बनोगे? तुम्हें तो बन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और बन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे, करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता? कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से भी बढ़कर है। लगता है आपको स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो, एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो, बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप। रे दाऊ, हनुमान जी का एक पाँव आगे होता है। ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाथ तक करके क्यों पकड़ू है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े हो कोई लेकर भाग जाएगो। अब ये हुई ना बात, बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। बाबा वो मेरा है, मुझे दो। आपका है तो वापिस लेकर दिखाओ। ये
नहीं तो मैं सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। मैंने समय से इन दोनों का स्वरना सुनाई दिया है ना जिंजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है, कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे, अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे, बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था, कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो काना, छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तुम्हें मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ, निकटा ले लो अपना डंडा। रुक जाओ काना। क्या हुआ दाऊ, तुम मुझे इतना भगा क्यों रहे हो? अवश्य तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? इतना प्रयास करना है कर लो काना, पर अब मैं यहाँ से एक तक भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं जे दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगो कि आपसे आगे लेके गए होंगे, दोनों साथ में ही तो थे। छे पालक भी ना, चलो चीची चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो काना, पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ, जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। क्या हुआ, अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण बनकर आजीवन आपकी सेवा की थी, आपकी हर एक बात मानी थी। अब आप अगला अवतार मेरे बिना ले रहे हैं प्रभु। इस बार तुम मेरा साथ किस रूप में देना चाहते हो शेष? यदि संभावना हो तो। पिछली बार मैं आपका छोटा भाई बना था प्रभु, आपके पग चिन्हों पर अपने पग रखता हुआ आपके साथ चला था। इस बार आपका बड़ा भाई बनकर एक नया अनुभव पाना चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। प्रभु, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मेरा अर्थ वो नहीं था प्रभु कि। पर मैं बिना विचार किए कुछ नहीं कहता शेष। लक्ष्मण के रूप में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, महल, राजपथ, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी तुमने छोड़ दिया था ताकि तुम वन वन घूमते हुए मेरा साथ दे पाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर वो श्रद्धा, वो स्नेह तुम्हें लौटा पाऊं, तुम्हारी सेवा कर पाऊं। कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपका तो अधिकार है मुझ पे। ऐसा मत कहिए,
आप मेरे प्रभु हैं। बलराम, ये क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई को प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरे प्रभु है छोटी माँ। अरे फिर से फंस गया मैं। सत्य का, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं हूँ इनका शिष्यनाग। अच्छा तो तुम दोनों भगवान जी खेल रहे हो? हाँ। तो इसके लिए वन आने की क्या आवश्यकता थी? मना किया था ना यशोदा ने? बलराम, तू कान्हा के जैसे कब से होगा? ये दोनों एक से ही है यशोदा, बहुत एकता है दोनों में। ना चिच्ची, बलराम निर्दोष है, जो उसका छोटा भाई है ना इसी का दोष है, इसी को बार बार वन आना होता है। पर मैया, ये वन थोड़ी है, वास्तव वन तो आगे है ना। अच्छा तू घर चल, मैं बताती हूँ तुझे वन कहाँ है, उदंड कहीं का। ले बलराम चल। इन्हें ना गौशाला में बांध देना चाहिए जिज्जी, तभी रुकेंगे जे। ताऊ, घर पहुंच के डंडे मिलेगा क्या? मिलेगा प्रभु, और इस बार केवल आपको ही नहीं मुझे भी मिलेगा। नटखटपन और उदंडता में बहुत कम अंतर होता है कान्हा, और जब तक तुझे समझ ना जाता, जा जाके उस कोने में खड़ा रहे, यही तेरा दंड है आज। जा। मुस्कुरा क्या रहो है? चुपचाप खड़ा रहे, हाथ भी ना हिलने चाहिए। तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़े हो? तुम भी गए थे ना बिना बताए घर से? जाओ, आज कान्हा के साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। जाओ जाओ, जाके खड़े रहो वहां। जब तक हम दोनों ना कहें यहीं खड़े रहना दोनों, समझ आई? मैया, संदेह भी होने वाली है, खेलने भी जानो है। पिछले अवतार में वनवास मिला था प्रभु, इस अवतार में दंड मिला है। आपका भाई बनने के लाभ कम है और हानि अधिक। ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना शेष, अब भूल जा कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। भक्त और प्रभु के इस संबंध की स्मृति अब तुम्हें तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता होगी। तब तक आप मेरे बड़ी भाई हो, इसलिए अब दाऊ की तरह व्यवहार करना होगा आपको। तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा, पर उसके लिए आपको भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करना होगा। अब से मेरी हर बात सुननी होगी आपको। क्या? जब हमारी बात ऐसे ना सुनेंगे चिची, कोई और उपाय निकालना पड़ेगा इन्हें बन जाने से रुकने का। डांट फटकार से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा यशोदा। ना, इन्हें जिस बात के लिए मना करो ना चिची, ये वही बात सबसे अधिक करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें कितनी चिंता होती है, और ये दोनों है कि इन्हें कोई भय ही नहीं लगता। भय? छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते
आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करता है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या? यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठने दो ना दाऊ। माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ा दंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना, और मैं आपके बारे में ना बताऊंगो। नहीं काना, मैंने कहा था ना, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, पर उचित कार्यों में, इसे अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है, आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे। और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी नहीं। उन्होंने तो बस वही किया था ना जो तुमने किया था, तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। शीघ्र आराम कर दियो आपने, बड़े भाई वाला ज्ञान देना। अब ये बताओ मैं इस बंद कक्ष में करेंगी क्या? हिलाने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगो। पति, संतरे की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ काना, नाशपति को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपति? ये कैसी ध्वनि है? ताऊ उठो ना, उठो, कितना सोगे? माँ ने द्वार नहीं खोला क्या? नहीं। कार भी नहीं लगाई? ना। तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कना, अंधेरे से भय लग रहा है? चिंता मत करो, दाऊ है ना तुम्हारे साथ। तो आपको भय ना लग रहा है? आप भी तो छोटे बालक हो। वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है दाऊ, अपने हाथ भी फैला रहा है वो। ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा, भय लग रहे हैं? नाना, हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि? जीजी, हाँ, आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या?
ये ध्वनि मुझे तो हाउ का स्वर है। हाउ हाउ हाँ हाउ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बस तो है जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। अरे हाउ यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से? इसीलिए तुम सबको वन जाने से मना करते हैं हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाउ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं, पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाउ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना, कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो, फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गोचर भूमि और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और काना और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो। अरे पर यशोदा बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कहना को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यह हाउ है क्या? हाउ? ये हाउ क्या होता है काना? बहुत ही भयानक जी होता है वसंता, सदैव विचित्र सी ध्वनि करता रहता है और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करता है। काना सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाउ। होता होगो, पर हाउ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है। कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई। मेरे चने के पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? भागो यहाँ से, फिर से इधर दिखाई भी मती देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट,
उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सूझ जाते हुए काना। अरे हमसे तो करे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती हैं। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत ही भेजा करो। ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ। जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है, मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना, आनंद तो खूब आया होगा। पर फिर भी प्रभु, आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वारा आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सताना है। मैंने तो ये भी सुना है वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना वसंता, उसको विश्वास है कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खा कर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। भूल के भी उस बोली माई के निकट मत ही जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत कोई उसे फूटी आंख ना सुहातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने दो सुलक्षणा, नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है। चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं। कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। काना कहाँ जा रहे हो? किसी ने बुलाया क्या तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ। पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत होगा वो खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे है? आना और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना तो देख लो फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने, दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला आराम कर। अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आराम भी नहीं किया काना। चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा। अरे वाह,
तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लियो। चलो आ जाओ, अब छाछ लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना कहाँ गया? बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, वो रहा कान्हा। कान्हा रोक, हाउ वाला उपाय भी असफल रहो। जी यशोदा, तो हाउ की सुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, मन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु। जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी मैया के काल्पनिक हाउ से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी, क्या तो आगू मैं, पर वन में और भी तनाव जानू चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतनी निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आप ही जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो। यशोदा, क्या हो गो? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गए है। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा, नारायण 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 नारायण, प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दर्शन दे दो नारायण नारायण। कान्हा, 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 क्यों इतनी प्रतीक्षा करा रहे हो प्रभु? आ जाओ प्रभु, दर्शन दे दो प्रभु। दंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चने खा रहा हूँ मैया। तूने अनुमति लेने की भी आवश्यकता ना समझी? आप ही नहीं तो कही थी मैया, आके जितनी इच्छा हो चने खा लो, इसीलिए खा रहे हो। बावला हो गया है क्या? मैंने कब कही तुझसे
आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दौड़े चले आते हैं चने खाने, एक मैं ही ना आतो। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े, बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। श्री कृष्णा गोविंदा।